और बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध रेत खनन केस में सीबीआई ने बुलंदशहर के डीएम के सरकारी घर में छापा डाला है। सीबीआई की टीम डीएम अभय सिंह के घर पर नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची है। साफ है कि डीएम के घर से भारी कैश मिला है या मिलने की आशंका है। अवैध खनन 2012 से 16 के बीच हुआ, तब अभय सिंह फतेहपुर के डीएम थे। इस मामले में अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि 2012 से 2013 तक वो उत्तर प्रदेश के खनन मंत्रालय का जिम्मा भी देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी थे और खनन मंत्रालय आपको बता दें खास करके अखिलेश के अधीन आता था, और ऐसे में डीएम के घर पर अब वहां पर छापेमारी हुई है। ये बुलंदशहर के डीएम है, यहाँ पर सुबह से ही नोट गिनने की मशीन यहाँ पर आई है। टीम यहाँ पर पहुंची है सीबीआई की, जो कि पूरे मामले की अब यहाँ पर तफ्तीश कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, ये देखिए ये गाड़ी में नोट गिनने की मशीन अलग से आई है। छापे में कितना पैसा मिला है या कितना पैसा हो सकता है फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो पूरी टीम आई उसमें बाद में नोट गिनने की बकायदा, ये देखिए यही वो नोट गिनने की मशीन है जो लेकर के यहाँ पर आया गया है इस टीम की तरफ से। डीएम के घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और ये सब अवैध खनन मामले में है। अवैध रेत खनन केस में सीबीआई ने ये छापा मारा है, बुलंदशहर के डीएम के सरकारी घर पर ये छापा मारा गया है। हालांकि लगातार सुबह से ही उनके आवास पे जो तैनात थे सिक्योरिटी गार्ड, उनका कहना है कि डीएम साहब तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, इसलिए अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मुनीश कुमार, मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अंदर से, कितना कैश अंदर मिला है सीबीआई को? जी, सीबीआई की माने तो बहुत ज्यादा अमाउंट में कैश मिला है, जिसके बाद में सीबीआई ने नोट गिनने की मशीन मंगाई है। नोट गिनने की मशीन मंगाने का मतलब होता है कि कम से कम करोड़ों रुपए जब रहते हैं तब सीबीआई ऐसी मशीन मंगाती है। जो पूरा मामला है ये 2012 से लेकर 2016 तक जो खनन हुए थे उत्तर प्रदेश में, वो मामला है। और इसमें खुद उत्तर प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है वो खुद सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में है। और इस वक्त जो बात हमें पता चली है कि जो अभय सिंह है डीएम इस वक्त बुलंदशहर के हैं, वो पहले फतेहपुर के डीएम हुआ करते थे, और उस वक्त का ये मामला है जब उन्होंने पैसे लेकर, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पेपर्स पर साइन किए थे, इस रेगुलरिटी का पूरा मामला है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई की छापेमारी लग रहा है कि लंबी चलती रहेगी, और इसमें अगर छापेमारी में दस्तावेज मिलते हैं तो अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी मुनीश, साथ ही जानना चाहेंगे कि डीएम आवास अभी जहां पर वो रह रहे हैं सिर्फ वहीं पर ये छापेमारी हो रही है या फिर उनके और भी दूसरे ठिकानों पर छापेमारी संभव है, कुछ जानकारी मिल पाई है आगे की कार्रवाई के बारे में? जी देखिए, इसमें सीबीआई ने इसकी पहले 22 जगह पर छापेमारी की थी। जो डीएम अभय कुमार सिंह है इनके यहाँ पर छापेमारी नहीं हुई थी, लेकिन सीबीआई की टीम ने कल से ही यहाँ पर छापेमारी शुरू कर दी थी। और अब छापेमारी के दौरान में दस्तावेजों के साथ साथ भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जिसके बाद में सीबीआई ने मशीन नोट गिनने की मशीन भी मंगा ली है। तो कहीं ना कहीं अभय कुमार सिंह का जो रुख है वो सीबीआई की जांच में सामने आया है, जिसके बाद में छापेमारी हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीश तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।